अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए बीसीसीआई ने घोषित की भारतीय टीम। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जीत के बावजूद बीसीसीआई ने भारतीय टीम से कुछ मैच विनर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह पर नए जाबाज खिलाड़ियों की भर्ती कराई है। तो आखिरकार बीसीसीआई ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारतीय टीम में कौन से बड़े बदलाव कर दिए हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ बीसीसीआई के द्वारा घोषित की गई पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता ही है, भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करते हुए सभी को अपना दीवाना बना दिया है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया है, जहां पर भारतीय टीम ने नागपुर के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में पारी और 132 रनों के अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में दिल्ली के मैदान पर भी इसी तरीके का प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की, जिसके बाद अगला मुकाबला नए कप्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंदौर के मैदान पर खेला और वहां पर भारतीय टीम को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ गया। तो वहीं अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के मैदान पर ड्रॉ साबित हुआ, जिसके कारण बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज भारत के नाम हो गई और ऐसे में भारतीय टीम को काफी बड़ा फायदा हो गया, जहां पर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच भी गई। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 जून से इंग्लैंड के ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। इसके लिए दोनों ही टीमों ने अपने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी बीच बीसीसीआई ने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल बीसीसीआई ने पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और गिल को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बता दिया कि भारतीय टीम के लिए दोनों बल्लेबाजों की सलामी जोड़ी भारतीय टीम की फाइनल की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया था, ऐसे में उसी तरीके की खतरनाक प्रदर्शन की उम्मीद हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में रहने वाली है, जिसकी हमें काफी ज्यादा आवश्यकता भी है। इसके अलावा बीसीसीआई ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए दीवार का काम करते हुए नजर आते हैं। चेतेश्वर पुजारा ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुशायरा पेश किया और इसी तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद हमें फाइनल मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा से रहने वाली है। इसके अलावा बीसीसीआई ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और विराट कोहली का अब अच्छा फॉर्म भी देखने को मिल चुका है। उनके शतक से अब पता लग चुका है कि आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली एक और बेहतरीन पारी खेल सकते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई ने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल किया। उन्होंने बता दिया कि भारतीय टीम के लिए श्रेयस अय्यर मध्य क्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, हालांकि फिलहाल वो चोटिल हैं। अगर वो चोट से जल्दी ठीक हो जाते हैं तो उनको ही टीम में शामिल किया जाएगा, अन्यथा सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कहर बरसा सकते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई ने विकेटकीपर के रूप में भरत को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बता दिया कि भारतीय टीम के लिए भरत ही वो खिलाड़ी रहेंगे जो विकेटकीपिंग की भूमिका निभाएंगे। हालांकि इनका कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण इन्हीं को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बीसीसीआई ने ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया है, जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों को बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए शामिल कर लिया गया है। दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते आए हैं और उसी तरीके से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहां भी दिखाई देंगे और ऐसे में इसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद बीसीसीआई को दोनों खिलाड़ियों से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भी रहने वाली है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज के रूप में 3 गेंदबाजों को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और उमेश यादव को शामिल किया है। इस दौरान उन्होंने बता दिया कि तीनों गेंदबाज भारतीय टीम के लिए लगातार बेहतरीन गेंदबाजी टेस्ट क्रिकेट में करते हुए हैं और ऐसे में इन्हीं तीनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में टेस्ट के फाइनल मुकाबले के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी करने का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि जसप्रीत बुमराह के पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाने के बाद उनको टीम में शामिल किया जाएगा, अन्यथा इन तीनों गेंदबाजों को ही गेंदबाजी की कमान सौंपी जाने वाली है और ऐसे में बीसीसीआई ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में कई बड़े बदलाव कर दिए।
हैं। वैसे आपको क्या लगता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।